एक कोर्स में अप्लाई कर रहे हो, बीकॉम की बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है। बीकॉम के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, आपको देना है यहाँ पे इंग्लिश का टेस्ट। दूसरा, आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने तीन डोमेन का सब्जेक्ट्स का टेस्ट दे देना, ठीक है। तीन डोमेन के सब्जेक्ट्स का टेस्ट दे देना, एक तो ये कंडीशन है आप लोगों की बीकॉम ऑनर्स करने की, बीकॉम करने के लिए। ये मैं प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। अब आपके पास बीकॉम करने की दूसरी कंडीशन क्या है कि आप लोगों ने इंग्लिश का टेस्ट दिया, एक आपने डोमेन का सब्जेक्ट चूज करा, प्लस आपने जनरल टेस्ट दे दिया, ठीक है। ये कंडीशन बन के आ गई आप लोगों की। अब क्या होगा, यही इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट BJMC यानी कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की भी रिक्वायरमेंट है। दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के लिए भी आप लोगों की यही रिक्वायरमेंट है। तो आप लोगों के कौन से हो गए, दो कोर्स तो इस कॉम्बिनेशन से रेडी हो गए हैं। सेम जितने स्टूडेंट्स हैं, मैं सबको ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जनरल टेस्ट तो ज़रूर देना। अगर आप ये जनरल टेस्ट दे देते हो, आप बहुत सारे कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इंग्लिश के साथ जनरल टेस्ट का बहुत जगह कॉम्बिनेशन बैठेगा। अगर आपने साथ में दे दिया मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम, तो आप लोगों का यहाँ पे DU JET भी रेडी हो गया है, बीकॉम ऑनर्स भी, बीकॉम प्रोग्राम भी रेडी हो गया है। DSJ का आप एंट्रेंस एग्ज़ाम एक तरीके से दे रहे हो, साथ में आप साथ में जर्नलिज्म भी दे रहे हो, क्योंकि आपने यहाँ पर जनरल टेस्ट भी दे दिया है। क्योंकि आप लोगों को पूरा एक फाइनल स्कोर नहीं मिलेगा यहाँ पे, आप लोगों को यहाँ पे एक फाइनल स्कोर नहीं मिलेगा, आप लोगों को टेस्ट वाइज स्कोर मिलने वाला है। अब जिस कोर्स में जो चीज़ सूट होती है, वहाँ पे उसका स्कोर जो है ले लिया जाएगा। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोगों को अपने कोर्सेज का सिलेक्शन करना है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, और ये बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। फाइन, सो ये है CUET का एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने, ठीक है। अब मैंने क्या करा, जब मैंने जनरल टेस्ट दिया, तो मैं सेम यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसे मैंने यहाँ से लिया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मैंने चूज़ कर लिया, ठीक है। आपका जब आप इसके बाद जब आप बताओगे, मैं आपके हिसाब से लूँगा। यहाँ से मैंने अप्लाई करा BMS कोर्स के लिए, ठीक है, ऐड कर दिया। ये मैंने पहले से ऐड कर रखा था, मैं पहले एक बार रिमूव कर देता हूँ उनको, ठीक है। ये देखो, ये मैंने कर दिया ऐड। अब सेम यूनिवर्सिटी के अंदर मैं BBA FI के लिए भी अप्लाई करूँगा, ये मैंने ऐड कर दिया। पहले क्या होता था, DU JET का एक कंबाइन था कोर्स, तो आप लोगों को अलग अलग फॉर्म नहीं करना पड़ता था, अप्लाई नहीं करना पड़ता, एक ही जगह आप अप्लाई कर देते थे। अब यहाँ से मैंने अप्लाई कर दिया। इसके अलावा इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, BTEC के लिए हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तीसरा, हमने यहाँ से ले लिया जर्नलिज्म का। अब जो स्टूडेंट बोल रहे हैं ना मल्टीपल कोर्सेज के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे, ये उनके लिए जवाब है। आपने DU के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से मैं ले लेता हूँ BCOM, ठीक है। अब क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू कर देते हैं, और यहाँ से हमने कर दिया इसको प्रोसीड टू नेक्स्ट। अब ये मेरे पास आ गया स्लॉट 1 और स्ल�ट 2। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्लॉट 1 और स्लॉट 2 समझा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। स्लॉट 1 क्या है, जो आप लोगों का मेन कोर्स आप लोग चूज करना चाहते हैं, उसमें मैक्सिमम आप लोगों के लिए ज़्यादातर देखोगे तो दो ही डोमेन की कंडीशंस रखी गई है। एक स्टूडेंट का मेरे पास आज एक कॉल आया, हिस्ट्री का स्टूडेंट था वो, उसके पास क्या सब्जेक्ट थे, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो उसने बोला कि सर मैं हिंदी और इंग्लिश का दोनों एक साथ ले सकता हूँ। तो आप लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं बनेगी, आपको दूसरे स्लॉट के अंदर हिंदी ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप करोगे हिंदी और नॉट एप्लीकेबल करना पड़ेगा आप लोगों को। जब आप दो लैंग्वेज ले लेते हो, आप लोगों का एक डोमेन कम हो जाता है। तीन डोमेन नहीं देने, फिर आप लोगों को दो डोमेन देने हैं, ठीक है। अब देखो, मैं आप लोगों को बताता हूँ जो मैंने कोर्सेज सेलेक्ट करे हैं उनकी कैसे मैं अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता हूँ। मैंने पहले लिया था BMS का। BMS की जो कंडीशन है पहले मैं वो दिखा देता हूँ आपको। BMS और BBA FI की जो कंडीशन है वो है Any 1 फ्रॉम Section 1 मैथमेटिक्स और Section 3, ठीक है। ये कंडीशन थी मेरी। मैं क्या करूँगा, यहाँ से मेरा इंग्लिश कंपलसरी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, इसके बाद मैथमेटिक्स प्लस जनरल टेस्ट मैं यहाँ से क्या करूँगा, चूज कर लूँगा। यस कर दिया। अब मेरा ये जो है ना DU JET का तैयार हो चुका है, यहाँ से ये मेरा DU JET का तैयार हो चुका है। अब मैं BCOM प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो भी मैं कर सकता हूँ सेम इसी पैटर्न से। कैसे कर सकता हूँ, BCOM प्रोग्राम में क्या बोल रहा है, कॉम्बिनेशन नंबर 2 देखो ठीक से। Any 1 लैंग्वेज फ्रॉम List 1
एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2, तो वो कौन सा सब्जेक्ट हो गया B1 और B2 का? मैथमेटिक्स। यहाँ से मेरा कौन सा हो गया है? इंग्लिश। दो मेरे हो गए कंडीशन फुलफिल, और तीसरा क्या आ गया आपके पास? सेक्शन 3 ऑफ CUET, यानी कि जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब सेम टाइम पे मैंने यहाँ पे DU-ZET के लिए भी अप्लाई कर दिया, सेम टाइम पे मैंने BCOM प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर दिया है। अब मैं जाता हूँ दूसरे कोर्स की तरफ। अगर आप चाहते हो कि मैं BCOM ऑनर्स में भी अप्लाई करूँ, तो यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन आ जाएगा। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, आपने इंग्लिश चूज कर लिया। दूसरा आपके पास मैथमेटिक्स का ऑप्शन है चूज करने का, वो आपने ऐसे ले लिया है। तीसरा कंडीशन क्या रख दिया है? एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन शुड बी B1, यानी कि आपको दो सब्जेक्ट और चूज करने, मैथमेटिक्स आपने कर लिया था यहाँ से चूज। अब यहाँ पे गेम स्टार्ट हो जाएगा स्लॉट टू का। स्लॉट टू का गेम क्या स्टार्ट होगा कि पहली स्लॉट में तो आप इतने एग्जाम मैक्सिमम दे ही नहीं पा रहे हो, पहली बात तो आप क्या करोगे, यहाँ से आपने बिजनेस स्टडीज चूज कर लिया। अब आप लोगों को BCOM ऑनर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए यहाँ पे स्लॉट टू में जाके एग्जाम देना ही पड़ेगा, समझो इस चीज को, ठीक है भाई? स्पैम जो करेगा मैं उसको हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों को अगर आप BCOM ऑनर्स में जाना है, देन यू नीड टू अप्लाई इन सेकेंड स्लॉट। तो सेकेंड स्लॉट में आप लोग क्या कर सकते हैं, एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट अपना यहाँ से और ऐड कर लेंगे, नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ से आप अपना चूज कर लेंगे। अकाउंटेंसी भी कर सकते हो, बिजनेस स्टडीज मैंने पहले से ही कर लिया था, तो आप यहाँ पे कोई भी ऐसे कि इकोनॉमिक्स आप ले सकते हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स चूज कर सकते हो, बाकी आपने कर दिया नॉट एप्लीकेबल। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और आ जाती है। अब क्या कंडीशन आ जाती है? सिर्फ वही स्टूडेंट अप्लाई करेगा जिसने पहले अपने यूनिवर्सिटीज का नाम सबमिट करा है, यानी कि जो मैं अभी थोड़ी देर पहले प्रोसेस कर रहा था ना, इस प्रोसेस पे आने से पहले, सब्जेक्ट सिलेक्शन से पहले, मैंने जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैं किस कोर्स में अप्लाई कर रहा हूँ, वो चीज़ भी आपको करनी पड़ेगी। आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई मैंने इंग्लिश और मैथमेटिक्स दे दिया था तो क्या मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में भी जाके अप्लाई कर दूंगा। आपको स्टार्टिंग में ही मेंशन करना पड़ेगा कि मैं किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ और किस कोर्स के अंदर अप्लाई कर रहा हूँ, तभी आप जाके पर्टिकुलरली उनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। क्योंकि ऐसे क्या होगा ना, ऐसे फिर अगेन हॉजपॉज हो जाएगा, ऐसे फिर से भेड़ चाल आ जाएगी, और ऐसे दोबारा से स्टूडेंट अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर कराने के चक्कर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जाके अप्लाई करने लग जाएगा। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भी CUET के एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर सब्जेक्ट पूछने से पहले यूनिवर्सिटी और उसके कोर्स का नाम पूछा जा रहा है, सिर्फ इसी वजह से। तो आप लोग प्लीज़ अपने कोर्स के अंदर सिलेक्शन करने से पहले, एग्ज़ाम देने से पहले, मेक श्योर कि आप किस किस कोर्स का अपना एग्ज़ाम देना चाहते हो, किस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो, एज अ बैकअप ऑप्शन किसको लेके चल रहे हो, उस हिसाब से आप अप्लाई करना। अब देखो बात करते हैं स्ट्रीम स्विच की। स्ट्रीम स्विच में आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने ब्रोशर के अंदर भी ये लिखा भाई इंपॉर्टेंट नोट्स के अंदर कि आपको क्लास 12th के जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ने हैं, पढ़े हुए होने चाहिए जो आप CUET के अंदर चूज कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा जो आप जनरल टेस्ट के बेसिस पे स्विच कर सकते हो उनमें तो स्विच कर लो ना, वो तो आप कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताऊँ BTech के बारे में बात कर लेते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो मैं ये नहीं बोलता कि हर बच्चा कॉमर्स का बच्चा बीटेक करने चला जाएगा, लेकिन जब आपको ऑप्शन मिल रहे हैं तो भाई क्यों नहीं करोगे यार, आपको जब मिल रहा है करने के लिए तो क्यों नहीं करोगे, इंटरेस्ट वाली बात नहीं है। ये BCA वाला स्टूडेंट कर सकता है इसमें, अगर आप टेक्निकल कोर्स के अंदर भी जाना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड हो जाएगा ना। आपने इंग्लिश ले लिया, मैथमेटिक्स ले लिया, जनरल सेक्शन 3 ले लिया, सेम इज फॉर योर DU-ZET यानी कि BMS कोर्स के लिए भी ये चीज़ सेम हो जाती है। आप BCOM प्रोग्राम के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे भी ये चीज़ सेम कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाएगी। सेम कंडीशन के थ्रू आप जर्नलिज्म के कोर्स के अंदर भी अप्लाई कर पा रहे हो, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ जर्नलिज्म का, ये आपके हाथ में है। सिर्फ और सिर्फ साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास थोड़े लिमिटेड ऑप्शन हो जाते हैं। तो मैं साइंस वाले स्टूडेंट्स को यही बोलूंगा कि भाई आप जनरल टेस्ट जरूर देना, अगर आप एक लैंग्वेज का टेस्ट दे रहे हो साथ में जनरल टेस्ट दे रहे हो तो भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मल्टीपल कोर्सेज के अंदर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पे आपसे डोमेन नहीं मांगा जा रहा कुछ कोर्सेज के अंदर, ठीक है? मैथमेटिक्स तो साइंस वाले के पास भी, कॉमर्स वाले के पास भी है। आई होप आप लोगों को चीज़ समझ में आ रही होगी। और स्लॉट टू में आप तभी जाओगे जब आपने बहुत सारे कोर्सेज के अंदर अप्लाई करा है और आपके अंदर वहाँ पे 3 डोमेन वाले टेस्ट आप दे रहे हो, तो 3 डोमेन के लिए आपको स्लॉट टू में जाना ही पड़ेगा भाई, जिस भी कोर्स के अंदर। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं तो UG कोर्सेज के एलिजिबिलिटी पे आप जाओगे, ठीक है? अब बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होंगे जिन्होंने अपने 3 डोमेन मांगे हैं, ठीक है? एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर B1 और B2, यहाँ पे यानी कि 3 सब्जेक्ट हो गए। 3 सब्जेक्ट के लिए आपको स्लॉट 2 में जाना ही पड़ेगा भाई,
ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, आपके जो डाउट्स हैं अब वो मैं ले लेता हूँ। और एक एडमिशन प्रोसेस वाला भी बात मैंने पहले क्लियर कर देता हूँ कि एडमिशन प्रोसेस क्या है यहाँ पे। सबसे पहले आप लोगों को जाना है CUET की वेबसाइट पे, ठीक है। CUET की वेबसाइट पे जाने के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। फिल करते टाइम आप जिस कोर्स में, जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उनके नाम मेंशन कर देना पहले ही। बाद में चेंजेस करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो जो भी यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करी हुई है इनमें से, आप पहले जाके उसके यूनिवर्सिटी और कोर्स का नाम लिख देना। उसके बाद उसके सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना ताकि आप एक बार में बहुत सारे कोर्सेज के अंदर एलिजिबल हो जाओ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो सकता है आप लोगों के लिए। तो जितने ज़्यादा टेस्ट आप दे रहे होंगे विद जनरल टेस्ट कॉम्बिनेशन, आप लोगों की प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ रही ही होगी एडमिशन सिक्योर करवाने की, उतने जल्दी आप लोगों का एडमिशन सिक्योर हो जाएगा डिफरेंट कोर्सेज के अंदर, इधर नहीं तो उधर से ही। इज इट कंपल्सरी टू फिल स्लॉट फॉर BBA? नहीं नहीं नहीं, BBA के लिए बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है। BBA के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप BMS कर रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो ये कॉम्बिनेशन है सिर्फ स्लॉट वन का, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये जो आपके सामने दिख रहा है। स्लॉट टू में आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप BCom भी कर रहे हो, BCom ऑनर्स भी कर रहे हो, BCom ऑनर्स DUJET इनके लिए कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए स्लॉट टू में जाना ही पड़ेगा, एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा भाई। फिर आदित्य झा बोल रहे हैं मैक्सिमम कितने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं? भाई मैंने अभी तक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में करा एक बार में, तो मेरे पास कोई ऐसा एरर नहीं आया कि मैक्सिमम आप इतनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। आप कितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। और देखो ये यहाँ पे आप जाओगे ना तो आपको मिल देगा यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की कैटेगरी अलग करी गई है। देखो यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक करोगे तो ये जो ऊपर की यूनिवर्सिटीज़ है ना, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, इनमें आप ज़रूर गो थ्रू कर लेना। इसके बाद है ये अदर यूनिवर्सिटीज़, ये स्टेट भी हैं और डीम्ड भी हैं। इसमें बहुत सारी स्टेट आपको देखने को मिलेगी और डीम्ड मिलेगी, जैसे कि ये जगन्नाथ यूनिवर्सिटी हो गई, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये डीम्ड है। ये BML मुंजल यूनिवर्सिटी, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये स्टेट गवर्नमेंट है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर कि आपकी प्रायोरिटी किसको है वो आप अपने हिसाब से चेक करोगे, उसमें मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। प्रीति यादव पूछ रहे हैं BCom ऑनर्स के लिए स्लॉट टू फिल करना है। मैं सभी को ये चीज़ बोलूँगा दोबारा से, जिस भी कोर्स के अंदर तीन डोमेन आ रहे हैं, तीन डोमेन के सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, उस स्टूडेंट को स्लॉट टू में जाना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत पे जाना पड़ेगा। मैं बताऊं कैसे, ये देखो BA ज्योग्राफी में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है। एक आपने लैंग्वेज सिलेक्ट करी, ठीक है, करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, दोबारा से रिलोड कर देते हैं। और ये देखो मैं आपको कैसे बताना चाह रहा हूँ कि स्लॉट टू में कौन जाएगा, ये भी वेरी करेगा। अब आपसे मांगी गई पहली एक लैंग्वेज, आपने लेट से सिलेक्ट कर ली इंग्लिश, आपसे दो सब्जेक्ट मांगे जा रहे हैं फ्रॉम लिस्ट B1, और B1 की लिस्ट आपके सामने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एलिजिबिलिटी वाले पेज पर मिल जाएगी। मैं अभी यहाँ पे आपको डायरेक्टली जाके दिखा देता हूँ। सपोज करते हैं कि आपने पहले दो सब्जेक्ट की जो है लिस्ट यहाँ पे रख दी है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है एनी वन सब्जेक्ट आइदर फ्रॉम B1 और B2। अब वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पे आपको मिल रहा है जनरल टेस्ट देने का ऑप्शन, तो जनरल टेस्ट के थ्रू तो आपकी एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं हो जाएगी, तो आप यहाँ पे कर दोगे नो, और यहाँ पे भी कर दोगे नॉट एप्लीकेबल, प्लस यहाँ पे आप अपना एक सब्जेक्ट अपना ऐड कर दोगे जो आप देना चाहते हो BA कोर्स के लिए। आपकी जो रिक्वायरमेंट पूरी यहाँ से फुलफिल हो गई, आपको समहाउ सेकंड स्लॉट में जाना ही पड़ रहा है, क्योंकि आपका जो थर्ड सब्जेक्ट यहाँ पे है ना वो आपको स्लॉट टू में मिल रहा है। यहाँ पे आप मैक्सिमम दो ही सब्जेक्ट के थ्रू कर पा रहे हो, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर एलिजिबिलिटी की आपको तीन डोमेन देने हैं तो आप ऑटोमेटिकली स्लॉट टू में पहुंच जाओगे। आर्ट्स के लिए कुणाल नायक बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है जनरल टेस्ट, बट अगर आप जनरल टेस्ट दे देते हो आपका स्कोप बढ़ जाता है एडमिशन्स के प्रस्पेक्टिव से। अगर आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर रिलाई करने जा रहे हो, बोल रहे हो कि भाई मेरे को तो बस इसी में जाना है, इसी कोर्स में एडमिशन लेना है, जिद पे अड़ रहे हो तो अलग बात है, लेकिन आप चाहते हो कि CUET के बेसिस पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग कोर्सेज में मैं अप्लाई कर दूँ सेम कोर्सेज के लिए, तो आप जनरल टेस्ट ज़रूर दो। मैं सभी को बोलूँगा कि जनरल टेस्ट ज़रूर दो सभी। ये देखो
अगर आप भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में बीवॉक के लिए जा रहे हो, वहाँ पर जनरल टेस्ट मांग रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं वहाँ से तो जनरल टेस्ट मांग रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जनरल टेस्ट है। अब इस जनरल टेस्ट को देने का फ़ायदा क्या होगा, जैसे ही आपने इसको येस कर दिया ना, तो जब आप इससे पहले वाले पेज पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे होंगे, तो जिस जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी पसंद का कोर्स है और उसमें जनरल टेस्ट आ रहा है ना, उसको ऐड करते चले जाना उसके अंदर, ठीक है। तो आप लोगों का एडमिशन कन्फर्म है, एक ना एक जगह तो आप ज़रूर अपनी जगह बनाई लोगे। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, और क्लियर हो गया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। सर कॉमर्स में मैथ्स नहीं था, तो आप कर तो सकते हो भाई, इस पर अकाउंटेंसी अपने अकाउंटेंसी के बेस पे कर दो। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैथ्स कंपल्शन नहीं लिखा है ब्रोशर के अंदर, और ये बहुत बड़ा सवाल भी है, ठीक है। तो आप अभी फिलहाल के हिसाब से, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सर अंबेडकर यूनिवर्सिटी भी है इसमें? हाँ भाई है, दो अंबेडकर यूनिवर्सिटी है हमारे पास, एक है लखनऊ के अंदर, ये लखनऊ वाली है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, और एक है अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दो तीन यूनिवर्सिटी है अंबेडकर यूनिवर्सिटी नाम से, ठीक है, अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, ये रहा, ये दिल्ली वाली अंबेडकर यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर ज़्यादा कोर्सेज नहीं लिए गए, सिर्फ ये देखो बीबीए के लिए भाई जनरल टेस्ट, ओ माय गॉड, ये देखो। अगर आप दिल्ली में बीबीए करना चाह रहे हो तो अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लिए आप लोगों को जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ भाई सभी जनरल टेस्ट दो, आप लोगों के लिए स्कोप बढ़ते जा रहे हैं इससे, और कोई बड़ी बात नहीं है, डीएसयू भी इसके अंदर ही शामिल हो जाए, दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी भी इसके अंदर शामिल हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। भाई स्ट्रीम चेंज का देखो, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मेरे को विजिबिलिटी नहीं दिख रही है, क्योंकि इसमें एक कंडीशन ये भी रखी गई है कि स्टूडेंट मस्ट हैव स्टडीड सब्जेक्ट इन क्लास 12th, तो ये कंडीशन के साथ तो मेरे को नहीं लगता कि हम स्ट्रीम स्विच जो है कर पाएंगे, मेरे को नहीं लग रहा चांसेस में। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें यही लिखा गया है, यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट अपियर इन CUET इन ओनली दो सब्जेक्ट इन विच शी हैज पास द क्लास 12th। ये जो चक्कर है, ये वाला जो पॉइंट है, अभी हमें क्लैरिफिकेशन इस पर नहीं मिल पा रही, तो मैं आप लोगों को इस चीज़ को लेके ज़्यादा स्ट्रीम स्विच को लेके ज़्यादा चीज़ें नहीं बोल पाऊँगा भाई अभी फ़िलहाल के लिए। सर प्लीज़ टेल ना विच कोर्स टू सिलेक्ट फॉर BGMC, बिकॉज देर इज नो सच कोर्स एज BGMC इन DU कोर्स लिस्ट। भाई है यार, कौन बोल रहा है कि BGMC नहीं है, बिल्कुल है, कल मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है इस चीज़ को लेके, आप प्लीज़ जाके उसको गो थ्रू करो आप लोग। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, जर्नलिज्म आपको सर्च करना पड़ेगा, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म 5 ईयर वाला भी है आपके पास, इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा DSJ के लिए, इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट या फिर हिंदी प्लस जनरल टेस्ट, तो आपके पास कोर्स है BGMC का, जर्नलिज्म आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो जर्नलिज्म इंग्लिश प्लस आपके पास Section 3, इधर Section 2 और Section 3। सर डोमेन में जो सब्जेक्ट 12th में थे वो ही लेने हैं, जैसे मेरे पास CS नहीं थी 12th में, बट मुझे BSc कंप्यूटर साइंस करनी है DU में, सो आई मस्ट साइज भाई, हाँ वही तो मैटर है इसमें, अगर आपके पास CS नहीं थी तो आपको CS नहीं सिलेक्ट करनी है, आपको लिस्ट B1 और B2 के अंदर से ही अपने कोर्सेज की लिस्ट जो है सिलेक्शन करना पड़ेगा, और वो आपके पास क्लास 12th के अंदर होना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी ब्रोशर, जिन्होंने मैंशन करा है इस चीज़ को। ये देखो यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, मैथमेटिक्स आपके लिए कंपलसरी हो जाएगी, एक लैंग्वेज ले ली और दो सब्जेक्ट्स ले लिया आपने, बस उसमें कंप्यूटर साइंस मत लेना, जो आपके पास क्लास 12th में थे केमिस्ट्री मैथ्स वो ले लेना, उसके बेसिस पे अप्लाई कर दो आप, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं लिखा कि कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना है आपको। विशाल पांडे, सर डोमेन में बिजनेस इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम में दे सकते हो? भाई दे सकते हो, लेकिन आप लोगों को अपना जो मीडियम ऑफ एग्जाम है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपसे पूछा जाएगा,
अब जैसे ही मैं अपने ये कोर्सेज का सिलेक्शन करके सबमिट कर दूंगा ना, यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ, तो आप लोगों को नेक्स्ट में ऑप्शन पूछा जाता है कि आप हिंदी में देना चाहते हो या फिर इंग्लिश में देना चाहते हो, किस लैंग्वेज में देना चाहते हो, तो वो लैंग्वेज भी आप लोगों को सिलेक्ट करनी पड़ेगी इनिशियल लेवल पे ही। सर प्लीज टेल ना विच कोर्स यू सिलेक्ट फॉर बीजीएमसी, देयर इज नो सच। भाई मैंने बता दिया इसके लिए साक्ष्य, अभी बीटेक इन डीयू। भाई बीटेक इन डीयू का बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है, जैसे कि डीयू जेट का है ना बीएमएस कोर्स के लिए, बिल्कुल वैसा ही है। ये देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का आ गया तो। ये देखो बीटेक का, ये आ गया इंग्लिश मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट, सेम बिल्कुल बीएमएस वाला है। बीएमएस के साथ साथ आप बीटेक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो इसके थ्रू, बहुत सिंपल है। कुणाल नायक बोल रहे हैं सर 3 महीने में तैयारी कैसे करें? भाई बहुत ही आसानी से कर सकते हो, अपने जो डोमेन आप पढ़ रहे हो ना, इतने साल पूरे साल आपने डोमेन पढ़ा है उसकी तैयारी तो आपकी पक्की है ही। अब आप लोगों को जो तैयारी करनी है अपनी इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन की करनी है या फिर हिंदी कॉम्प्रहेंशन की, साथ में जनरल टेस्ट की तैयारी करनी है, इसके अलावा आपके पास कुछ है नहीं। डोमेन आप लोग पिछले एक साल से पढ़ रहे हो, अगर आप उसके लिए भी तैयारी ढूंढ रहे हो तो बहुत ही गलत है। आप उसके ऊपर मॉक टेस्ट बनाओ, ठीक है, मॉक टेस्ट से आप लोगों की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और स्पीड बढ़ जाएगी। साथ में डाउनलोड कर लो हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन, सारे डाउट आप लोगों के वहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे। जिस भी कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए पर्सनलाइज आप लोगों को हम पूरी एडवाइस देंगे, कैसे आपको क्लियर करना है, कैसे आप अपने सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के अंदर पूरा असिस्टेंस आप लोगों को मिल जाएगा, बहुत सारे बेनिफिट्स आप लोगों को हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड करने से मिल जाते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज़रूर जाके उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। गौरव कुमार यादव बोल रहे हैं लैंग्वेज हिंदी ले सकते हैं और डोमेन में एग्जाम में इंग्लिश में दे सकते हैं। देखो ये लैंग्वेज स्पेसिफिक हो जाता है, ये सब्जेक्ट नहीं चूज कर रहे हो आप अपना, और आप ध्यान देना, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, इंग्लिश आपका B1 वाली लिस्ट में है ही नहीं, ठीक है। ये देखो आप एलिजिबिलिटी पर जाते हो, क्लिक करोगे यहाँ से, अब यहाँ पर आप देख लो ये लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर इंग्लिश आपको दिख रहा है, क्या आपको सब्जेक्ट्स के अंदर B1 और B2 की लिस्ट में कहीं इंग्लिश दिख रहा है? डोंट मिक्स मीडियम विद अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज अ मीडियम, ठीक है। और ऊपर आप इसको एक बार अपने लैंग्वेज में चूज कर सकते हो, दोबारा आपके पास इंग्लिश देने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ आप इंग्लिश देके बाकी सब्जेक्ट्स का जो वो है मीडियम है उसको चूज कर सकते हो। आपसे पूछा जाता है कि किस मीडियम में आप अपना एग्जाम देना चाहते हो, मैंने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा था तो मेरे से पूछ रहा था कि कौन से मीडियम में आप देना चाहते हो एग्जाम को। सर फॉर बीकॉम एंड बीए जर्नलिज्म के लिए, एक सेकेंड, 7x पूछ रहे हैं सर फॉर बीकॉम एंड बीए जर्नलिज्म के लिए स्लॉट फर्स्ट स्लॉट ही फिल करना है? नहीं, वो आपके हाथ में नहीं है कि कौन सा स्लॉट फिल आप कर सकते हो। जितना ज़्यादा अगर आपके पास 3 डोमेन वाला टेस्ट आ रहा है ना, अगर आपका 3 डोमेन का टेस्ट है तो आपको स्लॉट 3 में जाना ही पड़ेगा, सॉरी स्लॉट 2 में जाना ही पड़ेगा। बीकॉम के लिए आप क्या कर सकते हो, आपने इंग्लिश लिया, आपने यहाँ से अपना एक सब्जेक्ट चूज कर लिया कोई भी डोमेन, ठीक है, कौन सा कर सकते हो आप बीकॉम के स्टूडेंट, अकाउंटेंसी कर सकते हो, बिजनेस स्टडीज़ कर सकते हो। यहाँ से आपने क्या करा, इसको नॉट एप्लीकेबल कर दिया और ये कर दिया आपने यस। अब ये आप लोगों का जो है बीकॉम का भी बन गया है, ये आप लोगों का बन चुका है साथ में जर्नलिज्म का जो 7x पूछ रहे हैं। साथ में अगर आप यहाँ पे मास मीडिया ऐड कर देते हो तो आप बैचलर ऑफ मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन में भी एप्लीकेबल बन चुके हो। अब इस टाइम पे आप DSJ में एप्लीकेबल बन गए हो, साथ में बन गए हो बैचलर ऑफ मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ वुमेन के लिए, प्लस जर्नलिज्म के सभी कॉलेजेस के लिए आप एप्लीकेबल बन चुके हो। इससे बीकॉम प्रोग्राम के लिए भी आप इससे एलिजिबल बन चुके हो। अगर आप अब इसको बीकॉम ऑनर्स में भी साथ में अपना देना चाहते हो एग्ज़ाम, तो आप लोगों को एक मैथमेटिक्स तो देना ही पड़ेगा भाई, चाहे वो स्लॉट 1 में हो चाहे स्लॉट 2 में हो। यहाँ से कर देना नॉट एप्लीकेबल, यहाँ से आपने चूज़ कर लिया सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, ठीक है, यहाँ से आपने ले लिया मैथमेटिक्स और एक सब्जेक्ट अपना चूज़ कर लो, इकोनॉमिक्स ले लो। ये आप लोगों का बन गया है बीकॉम ऑनर्स का। बीकॉम ऑनर्स के लिए क्या बोला गया है कि आपको अपने कॉमर्स के 3 डोमेन के अंदर एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फाइन। तो ये है एक कॉम्बिनेशन बनाने का तरीका, आप लोगों को सीखना पड़ेगा ये चीज़, और ये आपको तभी आएगा जब आप इसके ऊपर रिसर्च अपने शुरू कर दोगे। धीरे धीरे करके आपको ये सारी चीज़ें इजी लगने लगेंगी, लेकिन ये चीज़ें रिवर्सिबल नहीं है। तो मेक श्योर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले जितनी रिसर्च कर सकते हो खुद से करो, फिर जाके अपने सिस्टम पर बैठो और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो।
भाई बीएससी एमएलटी सीयूईटी में होता होगा। आपको क्या करना है, ये जो यूनिवर्सिटीज़ दिए हैं ना, इन सभी को ऐसे करके ना न्यू टैब में खोलते जाओ एक एक करके। जिस भी यूनिवर्सिटी में बीएससी एमएलटी दिख रहा है उसका एंट्रेंस एग्जाम दे डालो भाई उस हिसाब से। इस ब्रोशर का लिंक सेंड कर दूँ? ठीक है, मैं अभी आपके साथ कर देता हूँ। कौन से वाले ब्रोशर के लिए बोल रहे हो आप, मेरे को ये नहीं समझ में आया। ये वाला, ये ब्रोशर नहीं, ये यूनिवर्सिटी पे अवेलेबल है। क्या करना है आपको, जाना है CUET.Samarth वेबसाइट पे, होम पे क्लिक करना है, यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक करना है। इसमें नीचे जाने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी पे क्लिक कर देना बस, और यहाँ से आप अपने कॉम्बिनेशन कर सकते हो। ये जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, साथ के साथ सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करके दिखा रहा हूँ, स्लॉट वन स्लॉट टू जो समझा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद ही मिलेगी। जर्नलिज्म के लिए कौन सा डोमेन ले भाई, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया था 7x, वही लेना है आपको, इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट। हाय पिंटू, भाई पीजी के फॉर्म अभी निकलेंगे, जब जैसे निकलेंगे मैं आपको बता दूंगा। पीजी के लिए अभी फॉर्म नहीं निकले दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, ठीक है। आपको क्या करना होगा, जैसे कि मैंने अभी क्लिक करा था यूजी एडमिशन पे, आपको जाना है पीजी एडमिशन पे। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है NCWE आ गया, और पीजी के जो आप लोगों के होंगे ना एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। देखो इस वाली वेबसाइट पे, अभी वेबसाइट ओपन नहीं हुई है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के जो एडमिशन है 1st of May से स्टार्ट होंगे, ठीक है। DUET बेस्ड ही एडमिशन रहेंगे आप लोगों के। देखो ये रहा एडमिट कार्ड को, चलो ठीक है। हाँ DUET के भी एप्लीकेशन फॉर्म जैसे होंगे ना मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। चलो ठीक है, मैं लास्ट बता देता हूँ हिंदी ऑनर्स का, उसके बाद फिर हम अपनी स्ट्रीम बंद करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री ऑनर्स के लिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को कैसे कर सकते हो। आपने यहाँ से क्लिक करा, अपने आर्ट्स पे गए, आर्ट्स पे जाने के बाद आपने हिस्ट्री ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास दो स्लॉट में जाना ही पड़ेगा आपको, जहाँ तक है ये देखो, ये आपके सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी वन, फिर यहाँ पे आपके पास आ गया B1 और B2, यानी कि तीन डोमेन आपके बन के आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो तीन डोमेन में आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो वो बता देता हूँ मैं आपको। बहुत सारे टैब खुल गए भाई, बंद कर देते हैं। ये रहा हमारे पास, ठीक है। अब क्या करोगे, आपने यहाँ से अपनी एक लैंग्वेज चूज कर ली, यहाँ से आपने ली अपनी लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। दूसरा आपने क्या करा, यहाँ पे बोला कि एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी वन। अब बी वन की जो लिस्ट है ना वो ये है, एलिजिबिलिटी पर जाओगे तो ये रही आपकी बी वन की लिस्ट। अब इसमें से जो आपने क्लास 12th के अंदर पढ़े हुए हैं ना, वो दो सब्जेक्ट उठा लेना भाई, ठीक है। आपने जैसे हिस्ट्री पढ़ा होगा, ठीक है, और ज्योग्राफी पढ़ा होगा, तो आप यहाँ से पहला सब्जेक्ट कौन सा ले लोगे, हिस्ट्री। इसके बाद आप ले लोगे दूसरा सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। ये दो सब्जेक्ट आपने क्लास 12th के अंदर पढ़ रखे होंगे। अब आपको जनरल टेस्ट नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पे आपसे जनरल टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो रही, लेकिन मैं आपसे रिकमेंडेशन यही करूँगा, अगर आप जनरल टेस्ट दे देते तो आप लोगों के और भी अच्छे स्कोप बढ़ जाते हैं आगे अप्लाई करने के। लेकिन जनरल टेस्ट देने से भी पहले, यहाँ पे यस करने से पहले भी, आपको जो इससे पीछे वाला पेज था जिसमें मेरे से पूछ रहा था कि किस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स के लिए अप्लाई करोगे, वो पहले फिल कर देना जहाँ पर जनरल टेस्ट लिया जा रहा होगा। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, इसको नो कर दोगे। अभी मैं DU के हिसाब से बता रहा हूँ, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और B2। अब आपके पास क्लास 12th में जो तीसरा सब्जेक्ट है इनमें से, वो चूज कर लेना। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे कि सर मेरे पास तो इसका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो हिंदी है, हिंदी को मैं अब नीचे कैसे चूज करूँ। अब यहाँ पे आपको कहीं हिंदी तो नहीं दिख रहा, वो एक लैंग्वेज है, तो आप यहाँ से उसको लैंग्वेज के तौर पे हिंदी उठा लेना, और आपको स्लॉट टू में जाना ही पड़ेगा। यहाँ से आप कर दोगे सारे नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। अब आप ध्यान से सुनो, जब NTA का हमारे पास नोटिस आया था, जब हमारे पास NTA का नोटिस आया था तो उसमें बोला गया था कि भाई अगर आप दो लैंग्वेज लेते हो तो आप एक डोमेन अपना कम कर सकते हो। तो इंग्लिश हिस्ट्री ज्योग्राफी नो, यहाँ पे आप कर दोगे जनरल टेस्ट में, यहाँ से आपने एक लैंग्वेज उठा ली अपनी हिंदी, बस ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो ये हो गया आप लोगों का क्लियर हिस्ट्री ऑनर्स के लिए। अगर आप हिंदी की जगह कोई अपना सब्जेक्ट ले रहे हो तो अपना कोई अपना यहाँ से अपना होम साइंस चूज कर लेना, जो भी आपकी मार्कशीट में सब्जेक्ट दिया रहा होगा, ठीक है।
ठीक है ठीक है, मैं सभी के लिए ना स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये लाइफ के अंदर आप लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो मैं आप लोगों के लिए अब सारी वीडियो शॉर्ट शॉर्ट के अंदर लेके आने वाला हूँ। जाने से पहले लाइक जरूर कर देना सेशन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू सो मच।